इतनी हाइट पे कच्चा रास्ता है ये। ओ मैन, अरे अरे। हाँ जी चलो जी, तैयारी, बल्ले बल्ले। कुछ इस टाइप का रास्ता है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जन्नत से होके आ रहे हैं और जहन्नुम में पहुंच गए हैं। वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम हुंदर नुब्रा वैली। सो फाइनली आफ्टर स्टेइंग टू डेज हम निकल चुके हैं यहाँ से। काफ़ी कुछ हमने जगह यहाँ पर कर ली एक्सप्लोर और काफ़ी कुछ छूट गई फॉर नेक्स्ट टाइम। आज का जो हमारा प्लान है, वी आर गोइंग टू पेंगोंग, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे टाइटल में। अगर आप GPS से डालेंगे तो वो दिखाएगा आपको पासी से होते हुए आई थिंक 270 किलोमीटर्स, बट वो रास्ता नहीं लेना आपको। डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर्स अगर आप जो है श्योक होते हुए जाते हैं तो। सन इज शाइनिंग ब्राइट, ठंड काफ़ी है, मॉर्निंग से कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम है। मॉर्निंग में तो इट वॉज लाइक पूरी स्नो की लेयर थी मेरी बाइक की सीट पे। अभी पहले यहाँ से लेना है हमने पेट्रोल, क्योंकि अब यहाँ से जाएंगे हम पेंगोंग से जाएंगे ले या फिर कायरू, जैसे भी करेंगे, तो वहाँ तक जो टोटल हमारा 300 किलोमीटर का या मे बी 350 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, उसमें हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और अभी हमारी आई थिंक हाफ टैंक से कम बचा हुआ है। कल हम जा रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स तुरतुक, तो सन हमारे बैक साइड में था। आज सूरज देवता हमारे एकदम फ्रंट में है, आंखों में शाइन मार रहे हैं। ये देखो डेजर्ट ऑफ हुंदर नुब्रा वैली, सैंड ड्यून्स। लो जी, नहीं है, कहाँ मिलेगा अब? यहाँ तो नहीं, आगे डिस्क्रिप्ट नहीं था, वो पीछे। अरे यार, डिस्क्रिप्ट मिलेगा? थोड़ी सी गलती हो गई, हमने नुब्रा वैली में पेट्रोल भराया नहीं एंड यहाँ पर जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब वी हैव टू गो बैक 13 किलोमीटर एंड कम बैक। वापस जा रहे हैं डिस्किट पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि डिस्किट में ही पेट्रोल पम्प है अभी। 104 रुपये हैं यहाँ पर। ये लो, हमारा पेट्रोल के चक्कर में जो है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं, बट दैट्स फाइन, अब कुछ कर नहीं सकते। सो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने ब्रेकफास्ट क्या किया कि फटाफट से हमने एक बिस्किट का पैकेट खा लिया और साथ में हमने एक जूस का पैकेट था हमारे पास में, वो पी लिया। सो एटलीस्ट अब ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए, तो अब देखते हैं जितना, जब तक थकेंगे नहीं तब तक थोड़ा राइड करेंगे। विल ट्राई कि पेंगोंग जाके वहाँ कुछ देर स्पेंड करके वहाँ से निकल जाएंगे। बड़ा ही रिस्की सा स्ट्रेच है ये, बहुत ही आराम से चलाना पड़ेगा यहाँ पर। ओह यार, ऊपर से मिट्टी है, स्लिपरी होती है ये, जिसको माउंटेन सिकनेस होती है उसके लिए टफ है यहाँ पर राइड करना या ड्राइव करना। एकदम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं एकदम स्पीड से, शार्प डिक्लाइन। यहाँ पर आपको सेकंड गियर से ऊपर नहीं डालना बाइक पे खासकर। जी आ गई पहली वाटर क्रॉसिंग। हो गई शुरू ऑफ रोडिंग। अगर बैठ के राइड करेंगे यहाँ पर
तो हमारी होंडा हाइनस के सस्पेंशन जो है हमारी कमर की बैंड में बजा देंगे। तो सेटलिंग करते हैं खड़े होके। ओहो बहुत ही खराब सच है, ये पूरा रिवर बेड है। शिट, कौन बोलता है ये रोड है यार। रास्ता बना के जा रहे हैं हम तो, ये बन रही है रोड यहाँ पर हाई लेफ्ट में। चलो मैं भी एक साल बाद जब आएंगे तब रोड होगी यहाँ पर। चावला जी स्वाद आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा है चावला जी को। भाई जल्दी भर लो ट्रक को यार, जान दो मैं। ये है श्योक रिवर इन फुल फॉर्म। काफ़ी नैरो स्ट्रेच है ये, और यहाँ पर रुकना बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये पत्थर जो है ना खिसकते जाते हैं। श्योक यहाँ से है 40 किलोमीटर्स, दुर्बुक 58, पेंगोंग इज ऑलमोस्ट 95 फ्रॉम हेयर। इतनी हाइट पे कच्चा रास्ता है। चट्टाने देखो कितनी है, खतरनाक सी है। यहाँ पर रोड प्लान करना और फिर इम्प्लीमेंट करना, सही में यार सलाम है इंजीनियर्स को, फुल ऑफ एडवेंचर मैन। ये स्ट्रेच बहुत ही रिस्की है, ये देखो लेफ्ट में पहाड़, ये पत्थर टिल्टेड है, ये यहाँ पर बस निकलते रहो, ऐसा लग रहा है पहाड़ गिर जाएगा लेफ्ट वाला, टिल्ट है ये। रिवर बेड है और कोई रोड नहीं है, जस्ट चलते जाओ बस। सो गाइस इफ यू लाइकिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। ये देखो अब इसको कौन रोड बोल सकता है। सामने एक है रिवर क्रॉसिंग, जंप कर रही है बाइक पूरी पीछे से ना, जब पीछे हटा यार पत्थरों के ऊपर से जाता है जंपिंग। वाटर क्रॉसिंग ओके, ओ मैन, अरे 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 आराम से आराम से, अरे 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 भाई साहब बड़ी मुश्किल से बैलेंस हुआ हैंडल, बट आई क्रॉस्ड, पाँव लगाए बिना मैंने क्रॉस कर ली। हो फन गुड यस, ओ मैन फीलिंग गुड। ये भी कुछ लाइफ की अमेजिंग फीलिंग में से एक है यार, रोड है या नहीं है पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी चलो जी तैयारी, बल्ले बल्ले चलो।
क्या बात है, मैन, यस भाई साहब जूते गीले हो गए पूरे। वाटर क्रॉसिंग के बाद रोड, मक्खन है जी मक्खन, स्मूथ बटर। अरे यस, यहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं अभी, और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है गालवान वैली, चाइना का जो, इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और वो रास्ता है ये, घूम के यहाँ से वहाँ जाता है। पूरा आर्मी का वहाँ पर काफ़ी कैंप्स है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है यहाँ से। हम जाएंगे इस रास्ते से बैंकॉक। सो फाइनली पहुँच गए हैं हम शोक, एंड ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान में पहुंच गए हैं, पूरी अफगानिस्तान वाली फीलिंग आ गई है। एंड यहाँ से अभी पेंगोंग ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स हैं रास्ता, और रास्ता ख़राब है जो बता रहे हैं, बाकी रेड सी देखते हैं कैसा होगा। फर्स्ट ब्रेक लिया हमने सुबह से, चल चले हैं ना, हमने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो एक्सट्रीम टफ तो नहीं मिला अभी तक, आगे देखते हैं कैसा होगा। जितना मैं बोल रहा हूँ कि टफ नहीं मिला, तो लगता मुझे ऐसा ना हो कि आगे ही बहुत ज़्यादा टफ मिल जाए। तो यहाँ पीछे एक बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट के साथ में एक ढाबा है, तो यहाँ खाना खाते हैं, कुछ राइस चावल है, उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। ऐसी लोकेशन पे ऐसा खाना मिलना, दाल चावल, दाल रोटी एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश, और दाल बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल दाल है ना, घर से बढ़िया। आपकी वाइफ तो देखा ना, क्या हो गया, दालों का मन ब्लॉक में है ना। घर की दाल तो मैं खाता ही नहीं, इनको पता है घर पे दाल बनती है ना, हम दोनों बाहर कर खाते हैं। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, और बहुत ही बढ़िया खाना है यहाँ पर, फ्रेश खाना, फ्रेश दाल चावल और फ्रेश रोटी, आटे की रोटी नहीं मिलती यहाँ पर, बट ठीक है, मिक्स टाइप था, मैदा आटा मिक्स, अच्छी थी, फ्रेश थी। ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, अब चलते हैं यहाँ से बस। आई डोंट नो हाइट कितनी है शो की, काफ़ी ज़्यादा होगी हाइट, थोड़ा बहुत सांस फूलता है यहाँ पर। साइड में जो खाई है अभी, इसमें पता नहीं चल रहा कि नीचे कितनी गहरी है ये, क्या पहाड़ है यहाँ के यार, कोई नीला है, कोई पीला है, ये सामने वाला ऑरेंज है, ऑरेंज एंड ब्राउन मिक्स है, ये अच्छे रहते हैं फ्लैग्स, प्रेयर फ्लैग्स। डुरबुक 12 किलोमीटर स्टीप डिक्लाइन, ये देखो लूप्स, यहाँ पर सेकंड में चलाना बाइक को, अदरवाइज लुढ़कते हो जाएंगे नीचे। हाँ ठीक है, अच्छा ये चलो चलो, ओके, ओहो ये है व्यू, दिस इज द व्यू, पहाड़ों के बीच में से चुपचाप निकलती हुई नदी, क्या बात है। Oh man, this is good. Wow. Wow man. Kya baat hai. Oof. Ekdam green pani hai, crystal clear.
ये लो भैया। हाँ ये लो, थैंक यू। सो अभी एंट्री चार्जेस पे कर दिए हैं हमने 10 रुपीज पर पर्सन, और यहाँ से पेंगोंग है ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स, सो वी आर क्लोज टू द डेस्टिनेशन मेड फेमस बाय बॉलीवुड आमिर खान। अभी थोड़े से जो लैंडस्केप्स हैं वो चेंज हो गए हैं और वही ग्रीन ग्राउंड चल रहे हैं, एंड सामने जो हिल्स हैं यू कैन सी कि जो स्नो है आइस थोड़ी सी नज़दीक है, तो हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे हैं, मे बी 13,000 फीट और 14,000 फीट। एक्चुअली मैं और चावला जी ना आज सोच के चल रहे थे कि रास्ता बहुत ख़राब है पेंगोंग का, तो आज जो है हमारी वाट लगने वाली है। बट एक्चुअली में जितना सोचा था उतना ख़राब नहीं है। हाँ बीच में ख़राब था, नो डाउट काफ़ी ख़राब था। अरे भाई साहब कैसे निकल रहा है, बी जेंटल ऑन माई कर्व्स, बहुत ही फनी मीनिंगफुल ऑसम कोट्स जो है यहाँ पर बी आर एन लगा रखी हैं। इनका जो क्रिएटिव राइटर है उसे मिलना पड़ेगा यार बी आर ओ का। देखा अपनी ही नज़र लगी, अभी मैं बोल रहा था इतना टफ नहीं था, अब लास्ट 3-4 किलोमीटर से यही रोड चले जा रही है, और अजीब सा ना छोटे से पतले से ब्रेकर हैं और पूरी बॉडी बैक वाइब्रेट हो रही है। 3-4 किलोमीटर हो गया ऐसे ही है, बैंड बज गई है बैंड। ये देखो स्टीयरिंग ये होगी स्मूथ। अब आई फील लाइक आई हैव टेकन बाथ, मड बाथ और सैंड बाथ, कुछ इस टाइप का रास्ता है ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर में से चल रही है कंस्ट्रक्शन। ये सामने आई थिंक ब्रिज बन रहा है। ओह मैन, फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, क्या बात है, वर्थ इट। ओह इतनी लेक देखी ऐसी नहीं देखी, ये तो कलर डाल रखा है नील डाला हुआ है। लो जी आ गए हम पेंगोंग लेक एंड सी द व्यू फाइनली, एक और ड्रीम डेस्टिनेशन ऑन बाइक। वाओ मैन, जस्ट वाओ, ओ मैन। What a view! कंगी वो ये भी है? यही है स्कूटर। यही वो स्कूटर, कितने सारे हैं? करीना कपूर एक पे बैठी थी। So finally हम पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक अपनी होंडा हाइनेस पे दिल्ली से, एक और ड्रीम डेस्टिनेशन अचीव्ड। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, सेकेंड टाइम इन माय लाइफ। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, एकदम क्लियर और एकदम ठंडा। सो फाइनली 1 घंटा स्पेंड करने के बाद, फोटो खींचने के बाद में, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के बाद में, आप निकल रहे हैं यहाँ से पेंगोंग से, ले जाएंगे एज आई टोल्ड यू, निकलते हैं।
थोड़ी सांस फूल रही है, बट व्यू बहुत ऑसम है, जस्ट ऑसम। चले चलो, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड बढ़ गई है हल्की हल्की। टाइम इज 4:10, ठंडा मौसम हो चुका है और वाट लगने वाली है हमारी थोड़ी सी ठंड में। सी द व्यू यार, इस लेक को ना यार आप घंटे बैठ के बस देखते रहो देखते रहो। ये देखो ये पूरी रेत है यहाँ पर, आगे देखो चल जाएगी बाइक, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। देख के आए थे ये देखो, ये देखा आगे, दिस इज वेरी रिस्की। अभी चावला जी गिरते गिरते बचे ऐसा लग रहा है जन्नत से होके आ रहे हैं और जहन्नुम में पहुंच गए हैं। बस ये थोड़ा सा स्ट्रेच है जहन्नुम वाला, उसके बाद ठीक है। पूरी धूल मिट्टी एकदम, रेगिस्तान खत्म हो तो ऑफरोडिंग, ऑफरोडिंग खत्म हुई तो रेगिस्तान। एडवेंचर की कोई कमी नहीं है ये देखो आगे बाइक, चावला जी की डांसिंग बाइक और मेरी भी डांसिंग बाइक। पैंगोंग आने वाला इस टाइम बहुत लोग हैं, पैंगोंग से जाने वाले इस टाइम हम दोनों ही दिख रहे हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। पहले आई थी वाटर क्रॉसिंग, अब आ गई है कीचड़ क्रॉसिंग। नाइट स्टे भी है यहाँ पर? हाँ जी चलो जी, नाइट स्टे है यहाँ, सो रहे हैं हाँ जी। ऊपर ठंड तो थी, इससे ज्यादा ठंड थी हल्की थी हमें उस टाइम शाम को 2 घंटे पहले। चलो जी अब ट्राई करेंगे, 6:45 हो गए, अंधेरा तो हो ही जाएगा चांगला क्रॉस करते करते। यहाँ से ले का सफर है 110 किलोमीटर है, टाइम इज अराउंड 5:45 और लग जाएंगे हमें 4 घंटे, 4 लग जाएंगे यार ब्रेक देते रहते ना। बस अब भोलेनाथ आज का दिन थोड़ा बोरिंग कर दो, एडवेंचर नहीं करना ज़्यादा ना, ऑफ रोडिंग नहीं करनी आज बहुत सुबह से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं आज। नुब्रे वाले थे पैंगोंग, पैंगोंग से यहाँ तक हो, अभी हम हैं 14,500 फीट पे, और यहाँ बोर्ड लगा था पीछे उस पर लिखा हुआ था, और हमने चांगला क्रॉस करना है विच इज़ एट अराउंड 18,000 feet, खारदुंगला जितना है उतना ही है, बट हमने पूरा पैक हो गए हैं, मैगी खा ली हमने। इतना मेरा बैग खुला हुआ क्या? ये कैसे हो गया? मैं हल्का सा पीछे हुआ, बैग पीछे हो गया। ऑफ रोडिंग के चक्कर में थोड़ा बैग भी लूज हो गया, ये इतने ज्यादा सुबह से ऑफ रोडिंग हो रही है। बैंकॉक में हम जब खड़े थे तो ठीक था, बट जैसे ही आप थोड़ा हाइट चढ़ने की कोशिश करते हो ना, एकदम भयंकर सांस फूलता है। बैंकॉक टू ले डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 140-150 किलोमीटर्स। ट्रेन हार्ड एंड फाइट इजी, वेरी वेल सेड। और अपनी बाइक चल चुकी है टोटल
2015 किलोमीटर अभी तक लद्दाख ट्रिप में। रास्ता ये बहुत सीनिक है, बहुत सीनिक।